हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिजाइन पैटर्न। ये टू कलर का है। इसे आप बेबी स्वेटर में, आप जो है गर्ल्स स्वेटर में और कार्डिगन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ब्लैंकेट वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, केवल ये 4 रो की डिजाइन है, लेकिन जब आप टू कलर में बनाएंगे तो आप ये 8 रो में तैयार होगा। तो चलिए डिजाइन पैटर्न हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी डिजाइन है। देखिए, 3 के मल्टीपल हमने फंदे लिए हुए हैं, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल यहाँ पर हमने 17 फंदे लिए हुए हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करके ये रो 1 को हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट रो है और राइट साइड है। इसको देखिए, हम इस तरीके से सीधा सीधा बुन करके पहली सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी पेज पर आप हमसे आप जो है संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं तो हम आपको बता देंगे। तो देखिए, ये रो 1 ऐसे हम सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को हमने 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक, कोई भी बॉर्डर बनाने के बाद ये फर्स्ट रो आप बुनिएगा, फिर इसके बाद ये सेकेंड रो है। तो फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप करते हैं, आप चाहें तो बुन लीजिएगा, ऑप्शनली है, बुनाई भी कर सकते हैं। देखिए, हमने स्लिप करके धागा को पीछे किया, अब ये सेकेंड रो को भी हमें सीधा ही बुनना है। देखिए, इसको हम ऐसे दूसरी सिलाई को भी ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हम इसे सीधा बुनते हुए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड, तो देखिए, धागा को आगे करेंगे, लास्ट का फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, डिजाइन पैटर्न का ये 3rd रो है। अब देखिए, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, इसके बाद 1 2 3 3 फंदे बनाने हैं। तो देखिए, 1, देखिए लूप को थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखिएगा, धागा आगे कीजिएगा, दूसरा फंदा, फिर दोबारा आप बुनाई कर लीजिएगा तो ये 3 फंदा हो जाएगा। देखिए, स्लिप कर देंगे, 1 साइड का एड स्टिच है, 1 2 3 3 फंदों में हमने ये 3 फंदा बनाया। सेम आपको यही रिपीट करना है। देखिए, 1 2 और ये 3। बैक साइड से ऐसे ऐसे पीछे से लेंगे, फिर आगे से लेंगे, धागा आगे करने के बाद बुनाई करेंगे। ये देखिए, हमारा 3 फंदे का 3 फंदा बन गया। अब देखिए, 1 2 और ये 1 2 और ये। तो देखिए, ये 1, धागा आगे किया, 2, बुनाई करेंगे 3। तो देखिए, 3 फंदे से हमने ये 3 फंदे बना लिए। अब फिर देखिए, 1 2 और ये 3। 3 फंदों को देखिए बैक साइड से ऐसे 1, धागा के किया 2, बुनाई करेंगे 3। फिर इसके बाद देखिए, 1 2 3 बैक साइड से देखिए, 1, धागा आगे किया 2, बुनाई करेंगे 3।
और वन ये साइड का एड स्टिच है, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। फोर रो को ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, टू फंदा उल्टा बुनेंगे, वन टू। अब यहाँ देखिए ये फंदा पहले नहीं बुनाई करेंगे, पहले हम इस फंदे को बुनेंगे। देखिए ध्यान से ये सेकेंड फंदे को बुन के फिर हम आगे का ये फंदा बुनेंगे ऐसे। फिर देखिए वन फंदा बुन लेते हैं, फिर देखिए इस फंदे को बुनेंगे, फिर ये आगे वाले फंदे को बुनेंगे, स्लिप कर देंगे, फिर वन फंदा बुन लेंगे। फिर देखिए ये बुनेंगे, फिर अब आगे वाले फंदे को बुनेंगे, और देखिए फिर ये वन फंदा बुन लेंगे। फिर देखिए ये सेकेंड फंदे को बुनेंगे, फिर आगे वाले फंदे को बुनेंगे, फिर वन फंदा ये है, इसको हम उल्टा बुनेंगे, और ये साइड का एड स्टिच है। तो फ्रेंड्स हमारा ये फोर रो डिजाइन पैटर्न का देखिए कंप्लीट हो गया है। तो जब हम ये फोर रो हमें बनाना है ना, अब यहाँ से जब हम अपने देखिए सेकेंड कलर को ऐड करेंगे, देखिए सेम हमने यहाँ तक आपको डिजाइन बताया है, अब यहाँ से जब हम अपना सेकेंड कलर ऐड करेंगे फिर ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी ये चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई ना, यही अब हम देखिए दूसरा कलर लगा करके अपना ये डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो ये रो वन हमने जैसे बुना था ना, देखिए रिपीट पैटर्न भी हो गया, और इसको आप ऐसे सीधा सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रिपीट पैटर्न रो वन हो गया, इसको ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये फर्स्ट रो है सेकेंड कलर से, अब देखिए ये सेकेंड रो है रिपीट पैटर्न, कलर चेंज है लेकिन डिजाइन सेम। आपको यही फोर रो रिपीट करना है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे, और देखिए इसको हम पूरी तरीके से ऐसे सीधा सीधा बुनाई करेंगे। देखिए इस तरीके से ये रो जो सेकेंड रो है कंप्लीट करेंगे। देखिए अब थर्ड रो रिपीट पैटर्न, फर्स्ट फंदा देखिए स्लिप करेंगे, इसके बाद वन टू थ्री, थ्री फंदे में हम थ्री फंदा बनाएंगे। देखिए वन धागा आगे किया, टू बुनाई करेंगे, थ्री। देखिए थ्री फंदे में हमें थ्री फंदा बनाना है, ठीक। फिर देखिए वन टू और ये थ्री, देखिए थ्री फंदे में हम थ्री फंदा बनाएंगे, वन धागा आगे किया, टू बुनाई किया, थ्री। तो ये थर्ड रो रिपीट पैटर्न है फ्रेंड्स। देखिए ये थ्री फंदे में हमने थ्री थ्री फंदे बनाए। तो देखिए ये फोर रो रिपीट पैटर्न, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब देखिए वन फंदा उल्टा बुनेंगे, ये सेकेंड फंदा भी उल्टा बुनेंगे। अब देखिए इसमें का जो हमारा एक फंदा है ना, ये वाला फंदा हमें पहले बुनना है, फिर इसके बाद ये आगे वाले को बुनेंगे और स्लिप कर देंगे, फिर वन फंदा उल्टा। फिर देखिए इसमें का ये थ्री फंदा है ना, तो जो आगे वाला फंदा है इसमें का हम वन फंदा बुनेंगे और फिर ये आगे वाला फंदा बुनेंगे। इस तरह आप जो है फोर रो को ऐसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड जब आप देखिए ऐसे ये आगे वाले फंदे को बुन लीजिए, इस तरीके से आप रो फोर को कंप्लीट करेंगे। देखिए थर्ड फंदा ये सेकेंड फंदा बुनेंगे, फिर ये आगे वाला फंदा बुनेंगे, और फिर इसके बाद देखिए पूरी डिजाइन कंप्लीट हो गई। तो देखिए यहाँ से वन से लेके ये एट रो में हमने डिजाइन बनाया। देखिए फोर रो डिजाइन है, सिर्फ कलर आपको चेंज करना है। आप चाहे तो इसमें टू कलर लगाएं, या फोर कलर लगाएं, या सिक्स कलर लगाएं, आप चाहे मल्टी कलर, जितने भी कलर आपके हैं फ्रेंड्स, आप उस कलर में ये डिजाइन पैटर्न बना सकते हैं। और देखिए किसी भी कलर में बनाएं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बनकर आएगा।
तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी डिज़ाइन पैटर्न है, तो इसे आप बनाइए। आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।